जरा रियल नंबर की ओपननेस की बात करते हैं कि क्या ये ओपन है या नहीं है। ओके, उसके पहले आपको फ़िलहाल मैं बता दूं कि आर एंड फाई ऐसे दो सेट्स हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इनके अलावा आर का कोई और सबसेट ओपन और क्लोज नहीं हो सकता। टोपोलॉजी में एक बहुत फेमस थ्योरम बाद में पढ़ेंगे हम आके कि आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वो ओपन और क्लोज दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, आप एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अगर आर सपोज ओपननेस की बात कर रहे हैं, ओपन कब होगा? जब अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड हो। सपोज देखते हैं वन के लिए नेबरहुड है या नहीं, यानी वन को कंटेन बिलोंग करने वाला या वन को कंटेन करने वाला कोई एक ओपन इंटरवल बना लो, और क्या ये आर में हो जाएगा प्रॉपरली कंटेन? आपको हो गया यस। कोई इरेशनल नंबर, ऑब्वियस ही बात है यार, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये नंबर लाइन ऐसे खींच दूँ और यहाँ पर है सपोज आपका वन, यहाँ पर है टू, थ्री, ज़ीरो और माइनस वन वगैरह वगैरह, वन को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल बनाओगे वो तो आर में ही रहेगा, क्योंकि आर तो यूनिवर्सल सेट हो रहा है नंबर सिस्टम के हिसाब से, रियल एनालिसिस के हिसाब से। तो ये चीज़ बिल्कुल होल्ड करेगी। तो मैं बोलूँगा आर इज़ ए नेबरहुड फॉर वन, और वैसे भी मैंने नेबरहुड के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि आर इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सिमिलरली रूट टू अगर लें, रूट टू माइनस एप्सिलॉन, रूट टू प्लस एप्सिलॉन, इसके लिए भी ये होल्ड करेगा। यानी इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूँ, यानी कोई रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सबके लिए बात ट्रू हो रही है। यानी मैं बोलूँगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये हमेशा आर में कंटेन होगा, इम्प्लाइज दैट आर इज नेबरहुड ऑफ एनी या Each of its points implies that R is open. ठीक है, R open होता है। Similarly, ये आपका एक supposition भी है और इसे prove भी कर सकते हैं contradiction के जरिए कि phi भी आपका open होता है, क्योंकि phi का जब आप complement निकालेंगे, जरा phi के बारे में बात करें, phi का जब आप complement निकालेंगे यानी R में से phi निकालेंगे तो आपका R आएगा। अब देखो phi का जो complement हो रहा है वो क्या हो रहा है, R, और R को अभी मैंने क्या किया, open किया, तो इस वजह से ये phi क्या होगा। ठीक है, R अगर open हो गया तो phi close हो जाएगा। उसी हिसाब से अब R मैंने बोला था कि ओपन क्लोज दोनों होता है, R को जब मैं क्लोज बोलूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। सिमिलरली आप ये ध्यान रखना R के लिए जो है वही फाई के लिए, यानी R ओपन क्लोज दोनों है, अभी क्लोज भी प्रूव करूंगा आगे, और फाई जो है वो भी ओपन क्लोज दोनों है। तो एग्जांपल आप क्लोज सेट में शुरुआत क्लोज इंटरवल से करेंगे, जैसे 0, 1, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, इस वजह से ये एक क्लोज्ड सेट भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने बाउंडनेस दिखाया है, जैसे 0, 1 अगर ऐसे बता दूँ तो इसको मैं क्या बोल रहा था, नॉट ओपन, या सॉरी ओपन था तो मैं बोलूँगा नॉट क्लोज्ड। ठीक है ना, लेकिन स्टिल अभी ये बाउंडनेस है क्योंकि लोअर बाउंड की तरफ और अपर बाउंड की तरफ फाइनाइट नंबर्स हैं। अब इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, सपोज अभी मैंने एग्जाम्पल में समझाया था एस आपका 0, 1 है, एस डैश आपका क्या हो जाएगा सेम, तो मैं बोलूँगा एस डैश कंटेन हो रहा है इसके अंदर, तो मैं बोलूँगा इस वजह से एस इज क्लोज्ड। और भी एग्जांपल समझ सकते हैं इसी फैमिली में, जैसे मैंने बोला 1, 2 इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज का साइन नहीं बनाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ये एक रूल या गुरु मंत्र की तरह बता दिया, आप इसे याद रख लो, इन्फिनिटी जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों साइड क्या है, इधर भी क्लोज है और इधर तो क्लोजनेस का साइन नहीं लगाएंगे, तो इसका क्या नाम है, क्लोज्ड एंड अनबाउंडेड। क्या है इसका नाम, क्लोज एंड अनबाउंडेड। अब क्लोज कैसे, अगर मेरे से कोई पूछे या आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, बोलोगे कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। कैसे, सपोज इसका नाम है S, तो मैं बोलूँगा S डैश भी क्या हो जाएगा सेम, ये तो मैंने आपको सिखाया है, तो S डैश ये हो जाएगा S के अंदर, क्योंकि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट आप देखो इसके अंदर है, डिराइव्ड सेट मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है।
अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, सपोज 1 से लेके 2, यूनियन 4 से लेके 5, यूनियन 6 से लेके 7, सपोज ये थर्ड पार्ट है, तो क्लोज सेट, यूनियन क्लोज सेट, यूनियन क्लोज सेट, फाइनाइट यूनियन है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये इस बार क्या आएगा, क्लोज सेट ही आएगा। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि ये क्लोज सेट तो हुआ, लेकिन अब ये इंटरवल नहीं है इस टाइम, ये अभी जो हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको मैं बोलूँगा नॉट एन इंटरवल। क्या बोलूँगा? नॉट एन इंटरवल, यानी क्लोज सेट तो है लेकिन क्लोज इंटरवल नहीं है। जैसे ये वाला क्लोज सेट भी है, क्लोज इंटरवल भी है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सिमिलरली ओपन के केस में क्या बोलेंगे, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओपन वाला भी एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो, लाइक हम अगर ऐसे लिख दें 1, 2, 3, 4, ये अब एक ओपन सेट है लेकिन ओपन इंटरवल नहीं, क्योंकि इंटरवल इज ऑलवेज कनेक्टेड, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। यानी 1 से लेके 4 तक जा रहे हैं तो 2 से 3 के बीच के एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो मैं बोलूँगा गैप आ गया या डिस्कनेक्ट हो गया, जो आपको मैं मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी में करवाऊँगा डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया कि क्लोज इंटरवल और क्लोज सेट के बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। आगे और दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये ओपन है, क्लोज है, क्या है। अभी मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था ये ओपन नहीं है, और क्लोजनेस प्रूव करने के लिए मैंने बोला था कि हमेशा लिमिट पॉइंट का सहारा लेंगे। तो जब भी रेशनल नंबर की बात आए, इसके ऑल द लिमिट पॉइंट यानी डिराइव्ड सेट का जो कलेक्शन होता है वो होता है आर। और क्लोज होने के लिए क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ आपको, एस अगर क्लोज है, एस इज सेट टू बी क्लोज, अगर इसका जो डिराइव्ड सेट है मीन्स ये यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट, ये एस के अंदर हो जाए, तो यानी क्यू क्लोज तब होगा, क्यू क्लोज हो जाएगा जब इसका डिराइव्ड सेट क्यू डैश यानी कि आर क्यू के अंदर कंटेन हो जाए। यानी क्यू का जो डिराइव्ड सेट है वो अगर क्यू के अंदर हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि क्लोज है। यानी कि क्यू डैश का मतलब क्या होता है, आर क्यू में अगर कंटेन हो जाए तो मैं बोलूँगा क्लोज है। लेकिन आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इसका सबसेट नहीं होता, जबकि सच्चाई कैसी होती है ये, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ होल्ड नहीं करती, इसलिए क्यू क्लोज नहीं है। मींस इसी बात को कैसे लिखा है, क्यू डैश की जगह पे बस आर लिख दिया गया, ये चीज़ होल्ड नहीं करती इसलिए ये क्या है, क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज। सिमिलर आर्ग्यूमेंट आप क्यू सी के बारे में भी दे सकते हो, क्यू सी यानी सेट ऑफ इरेशनल एलिमेंट, इसका सारा डिराइव सेट इसका भी आर होता है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट। सेम आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा कि क्यू सी का जो डिराइव सेट है वो क्यू में, क्यू सी में नहीं जाएगा, यानी आर क्यू सी में नहीं जाएगा, मतलब ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये जो क्यू सी है यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी क्लोज नहीं है। तो क्यू के बारे में आपने क्या इन्फॉर्मेशन गेस कर ली, क्यू क्या हो जाएगा, नीदर ओपन नॉर क्लोज, यानी ना ही ओपन होता है ना ही क्लोज होता है। सिमिलरली क्यू सी के बारे में भी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, नीदर ओपन नॉर क्लोज, ना ही ओपन होगा और ना ही क्लोज होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो ज़रा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। मैं आपको तीनों का सिमिलर पैटर्न है, जैसे इसको प्रूव करना है वैसे इसको, वैसे इसको। तो चलो मैं आपको जेड बता देता हूँ, या चलो मैं आपको नेचुरल नंबर बता देता हूँ कि ये क्लोज है या नहीं है, क्लोजनेस पे इसके बात करेंगे। आप इसके पहले एक रिजल्ट याद करो कि अ सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर आपसे पूछूं कि एन का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो कैसे निकालोगे आप, कैसे, सॉरी एन हुआ यहाँ पर, इसका मतलब जरा डायग्राम से पहले समझ लो, आर है यहाँ, ठीक है। यानी अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर होगा 1, 2, 3, 4,
फाइव डॉट डॉट ऐसे होगा। इसका इसके नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये 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 डॉट डॉट। इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट हैं, ये वाले सारे, वन नहीं रहेगा उसमें, ये वाले सारे, टू नहीं रहेगा, थ्री तक रहेगा, फिर थ्री नहीं रहेगा। यानी जो n का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हुए वन तक, वन ओपन में रहेगा क्योंकि वन बिलोंग नहीं करना है, फिर वन से लेकर के टू तक, टू से थ्री तक ये चलता रहेगा। यानी एन सी यानी आर का कॉम्प्लीमेंट फिर कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी ये डॉट डॉट, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन वन से टू यूनियन टू से थ्री यूनियन चलता रहेगा। ये क्या है, इसका नाम है आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स थ्योरम में क्या करवाया है, ओपन होता है, ठीक है। यानी मेरा जो एक सेट n है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है, यानी कि n क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। मैंने क्या बोला है आपको कि अ सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। n के कॉम्प्लीमेंट को हमने ओपन दिखा दिया यानी n क्या होगा, क्लोज होगा। सिमिलरली Z में भी आप लगा के दिखाओगे कि ZC निकालोगे, ZC को भी इसी फॉर्म में एडजस्ट कर दोगे, फिर आप कहोगे कि वो ओपन हो रहा है इसलिए Z क्लोज होगा। सिमिलरली W में भी, तो आप बोलोगे कि ये तीनों क्या होते हैं, क्लोज्ड, ठीक है ना। इसके साथ जरा फाइनाइट सेट का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या होगा, इसके बाद समझते हैं उसको। तो फाइनाइट सेट की क्लोजनेस शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनाइट सेट जो होता है नॉट ओपन होता है, ओके, नॉट ओपन। अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी बढ़ा दूँ, अभी मैंने बात करी है एन जेड और डब्ल्यू की, तो इसमें से कोई हो, जैसे एन है, एन को मैंने लिमिट पॉइंट के लेक्चर में आपको बताया था कि एन के अंदर कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, सिमिलरली जेड और डब्ल्यू में भी नहीं हो, यानी एन डैश क्या आएगा, फाई। अब कोई सेट क्लोज कब होता है, जब अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले, तो एन के अंदर लिमिट पॉइंट क्या है, फाई, फाई तो सब में कंटेन हो जाएगा, यानी एन अपना लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है इसलिए एन क्लोज है। कैसे लिख देंगे इसको, तो एन डैश कंटेन हो रहा है एन में, दैट इज अपना लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, यानी फाई कंटेन हो रहा है एन में, इसका मतलब क्या है, एन क्लोज है। ये एक और लॉजिक है समझने का, बाकी उधर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फाइनाइट सेट नॉन ओपन होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ ओपन सेट के एग्जांपल में। जरा इसकी क्लोजनेस पे बात करते हैं, क्लोजनेस है यानी क्लोज्ड है या नहीं है। तो फाइनाइट सेट में सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि फाइनाइट सेट में कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। जैसे मान लो एक फाइनाइट सेट बना लूं, वन टू थ्री, और मैंने आपको ऑलरेडी लिमिट पॉइंट के लेक्चर में बताया है कि फाइनाइट सेट में कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। सिमिलर इसी की तरह पैटर्न, मतलब डिस्क्रीट की तरह बिहेवियर इसका भी है। अब क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए, एस डैश एस के अंदर कंटेन होना चाहिए। यहाँ पे देखो कैसा, और एस डैश क्या है, फाई, और फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी ये चीज़ फुलफिल हो रही है, तो मैं बोलूँगा इस वजह से मीन्स देयर फोर एस इज क्लोज्ड। ये पहला तरीका है। दूसरा एक और तरीके से कर सकते हैं कि दूसरा तरीका, एस का जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, वन टू थ्री को हटा के लिखेंगे अगर रियल नंबर में से, तो क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन वन से टू यूनियन टू से थ्री यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। अभी जरा देखो, मेरे को एस को बताना है कि एस क्या है, फिलहाल इस मेथड से एस को मैंने क्लोज कर दिया है, अब मेरे को एस को बताना है। लेकिन एस एक सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल का यूनियन है, जो ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरम करा रखा है, तो क्या होगा, ओपन। यानी एस एक सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, यानी एस इट्सेल्फ क्या होगा, यानी इम्प्लाइज दैट एस इज
क्लोज चलो वही बात है, चाहे आप इससे समझ लें चाहे इससे बोल लें तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों साइड से और भी तरीके आप अपने दिमाग से सेट कर लोगे, कोई ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं। बेसिक थोड़ा सा अगर आपका क्लियर हो जाएगा तब आप फिर आगे फटाफट आगे बढ़ सकते हो। आगे के लेक्चर्स में थोड़ा जल्दी जल्दी लूँगा, अभी थोड़ा बेसिक के लिए मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में ये सब चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। इस पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट। तो ज़रा आर एंड फाई का नेचर यानी क्लोजनेस समझते हैं। ओपननेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आर एंड फाई पिछले हमारा जो ओपन सेट के एग्जांपल ले रहे थे ये दोनों क्या थे, तो मैं लिखूंगा बोथ ओपन। जरा क्लोजनेस की बात करते हैं। आर के लिए मैंने क्या बोला है, आर का लिमिट पॉइंट यानी डिराइव्ड सेट आर होता है। ऑलरेडी मैंने आपको लिमिट पॉइंट के डिराइव्ड सेट वाले पार्ट में करा रखा है। तो एक सेट है R और उसका लिमिट पॉइंट R डैश, ये R के अंदर होगा या नहीं, दैट इज कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, नॉट प्रॉपर, खुद का सबसेट तो होता ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज क्लोज्ड। दूसरा इसी चीज़ को थोड़ा सा और छोटे तरीके से समझना हो तो आप ये देखो कि ऐसे बोल दो कि R अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, यानी R का जो लिमिट पॉइंट है R डैश, इसके अंदर सारे रियल नंबर आते हैं, यानी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 0 हो, माइनस 1, 1 बाई 2, 4 बाई 3, पाई, 22/7, मतलब सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब ये सारे के सारे यानी R का जो लिमिट पॉइंट है वो ये है, यानी सारा रियल नंबर, तो इसमें से कोई भी ले लो, चाहे 0 ले लो वो भी R के अंदर रहेगा, 22/7 ले लो वो भी R के अंदर है, कोई भी ले लो, यानी R अपना सारा लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, इसलिए R क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, या फिर ऐसे भी समझ लो। और दूसरा फाई की अगर बात करें तो डेफिनेशन लगा दो, अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट जरा बताओ क्या हो जाएगा, आर फाई इक्वल टू आर, और आर क्या है, मैं आर को भी ओपन बोल रहा हूँ, मान लो अगर आर को मैं ओपन बोलूँगा तो फाई क्लोज हो जाएगा, आर को मैं क्लोज बोलूँगा तो फाई ओपन हो जाएगा, यानी आर एंड फाई बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। यानी कंक्लूड करके मैं रिजल्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पर, दैट इज आर एंड फाई आर ओपन एज वेल एज क्लोज। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, क्यू एंड क्यू सी यानी रेशनल और रेशनल, ये ना ही ओपन होते हैं दोनों, नीदर ओपन नॉर क्लोज। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आर का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ओपन और क्लोज दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। ये टोपोलॉजी में बताऊंगा, ये मैंने ओपन सेट के दौरान भी अभी कही थी ये बात, और ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में प्रॉपर घुस जाए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन इस चीज़ को स्टेटमेंट में रख के आते हैं, थोड़ा रीजनिंग और लॉजिकल बेस्ड वो हो जाते हैं, क्योंकि आपने डेप्थ से अगर एक बार चीज़ों को कर लिया है तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, बहुत आराम से करोगे। तो ओपन और क्लोजनेस के बारे में जो बेसिक बातें हैं सारी यहाँ पर ख़त्म होती हैं।